स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में बात करने के लिए आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक दिलीप पांडे जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सर, आपकी पार्टी को एक साल पूरा हो गया है, तो ऐसे में क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी पार्टी की एक साल में? देखिए, दिल्ली की जो सरकार है, ऐतिहासिक और लोकप्रिय सरकार, दिल्ली की जनता की अभिलाषाओं के प्रतीक के रूप में है। और जो विश्वास हमने हासिल किया है जनता का पिछले एक सालों में, वो जनता के हित के कामों को करने के बाद हासिल हुआ है। लोगों ने वोट दिया और वोट करने का जो उनका कारण रहा होगा, वो कारण और मजबूत हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, सड़क, अस्पताल, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो दिल्ली के अंदर 8000 नए क्लासरूम्स बन रहे हैं, जो लगभग 200 नए स्कूलों के बराबर हैं। दिल्ली के अंदर हमने मैनेजमेंट कोटा को ख़त्म किया, जिसको हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है, पर इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस प्रकार के इनोवेटिव काम हुए हैं, जिसमें 54 मॉडल स्कूल्स बन रहे हैं, जहाँ पे एकदम प्राइवेट स्कूलों के बराबर जो काम, जो शिक्षा की क्वालिटी है, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, उसको ठीक किया जा रहा है। पॉली क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक और नए अस्पतालों के निर्माण को के जरिए दिल्ली के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे नए नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और देश में पहली बार ऐसा हुआ है जहां एलोकेटेड बजट से 100 करोड़ रुपये कम में फ्लाईओवर्स बने हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अगर साफ नीयत की ईमानदार सरकार हो तो कम पैसे में बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम डार्क स्पॉट्स खत्म कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, बस मार्शल लगा रहे हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है दिल्ली सरकार के कामों की, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता के दिलों में दिल्ली की सरकार ने जगह बनाई है, और हमें उम्मीद है कि विश्वास आने वाले वक्त में और मजबूत और पुख्ता होगा। सर, आपकी पार्टी को जिताने के लिए दिल्ली की जनता ने बंपर वोटिंग की और आप 67 सीटों से आपकी पार्टी जीती, तो आपकी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए ऐसा खास क्या किया, कोई एक काम जो आपने खास किया हो? देखिए, चुनाव के पहले जो जो हमने किया कहा था, वो सब कुछ हमने किया। बिजली हमने कहा था कि आधी कर देंगे आपके, वो कर दिया। हमने पानी की बात करी थी, 20 लीटर फ्री पानी देंगे, वो हमने कर दिया। तो जो भी महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, और इवन अपने आप में इतना बड़ा फार्मूला, इतना बड़ा बोल्ड स्टेप था, और सही बात कहें तो यह एक प्रकार का प्रयोग था कि अगर कोई पॉलिसी ऐसी सरकार बनाती है जिसमें जनता की भागीदारी अगर सुनिश्चित हो जाए, तो वो पॉलिसी का इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों बहुत बड़ा होता है। वो ऑड इवन फार्मूले के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन से प्रूव हो गया, और ये संभव सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता के सहयोग से हो पाया। तो लंबी लिस्ट है, पर जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हम स्वराज बजट के ऊपर काम कर रहे हैं। पार्टिसिपेटरी बजटिंग सिस्टम इसे कहते हैं, जिसमें जनता से पूछेंगे कि आपको क्या काम कराना है, और उनके कहे के अनुसार काम करेंगे। तो ये 2-3 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसने दिल्ली ही नहीं, देश के अंदर पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज किया है। 2017 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या 5 राज्यों में आप अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे? ये तो बहुत दूर की बात है। हमारा ये मानना है कि जो चुनावी राजनीति है, उसमें चुनाव लड़ना सिर्फ एक बात है। बाकी की बात क्या है? बाकी की बात ये है कि आप जनता की सेवा करें, जनता के साथ संघर्ष में खड़े रहें, संगठन बनाएं। इन तमाम चीज़ों पे पांचों नहीं बल्कि हर राज्य में काम कर रहा है, काम चल रहा है। वहाँ पे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, आई थिंक ये जब वक्त आएगा तब वहाँ की स्थानीय यूनिट बैठ के केंद्रीय समिति के साथ बैठ के फैसला करेगी। सर, जब चुनाव कट समय था, तब आपने कहा था कि जब आपकी पार्टी जीतेगी, अगर आपकी पार्टी जीतेगी तो आप दिल्ली के सभी भ्रष्ट नेताओं को जेल भिजवाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर शीला दीक्षित का नाम था। तो क्या कार्यवाही की है एक साल में आपने शीला दीक्षित के? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। आपको पता होगा दिल्ली के अंदर एक ब्रांच है, एंटी करप्शन ब्रांच। दिल्ली की सरकार एंटी करप्शन ब्रांच सरकार में आने के बाद ACB के जरिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। भ्रष्टाचार को शुरुआत के 3 महीनों में एकदम ठीक कर दिया, ख़त्म कर दिया था। लेकिन अचानक जो है केंद्र सरकार को लगा कि ACB अगर उनके हाथ में रही तो उनकी पार्टी के भी, BJP के भी नेता इस लपेट में आ जाएंगे, चपेट में आ जाएंगे। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, मामला कोर्ट में चल रहा है, ACB के ऊपर कब्जा कर लिया। आज अगर ACB होती तो शीला दीक्षित नहीं, बहुत सारे छोटे बड़े नेता जो आकंठ डूबे हुए भ्रष्टाचार में, सब जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल कि आगामी प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल को छोड़कर? ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किसे देखना चाहेंगे, देश की जनता किसे मुख्यमंत्री देखना चाहती है, प्रधानमंत्री देखना चाहती है, जनता तय करती है। हम और आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता। तो ये थे हमारे साथ दिलीप पांडे जी, जो जिनका कहना है कि ये दिल्ली के विकास के लिए कई योजनाएं बना रहे हैं और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में विकास करने के लिए। लेकिन आगे देखना दिलचस्प ये होगा कि आम आदमी पार्टी अपने चुनावी वायदों पर आने वाले 4 सालों में कितना खरा उतरती है। कैमरामैन पीयूष के साथ मनीषा त्यागी, NNC न्यूज़, दिल्ली।